सरकारी एलिमेंट्री स्मार्ट स्कूल विच उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों अपने बच्चों का दाखला करवाउण आई एक औरत ने स्कूली अध्यापक दे नाल बदसलूकी की। मैजिस्ट्रेट ने उक्त औरत दे खिलाफ परचा दर्ज करवा दिता। फतेहगढ़ विखे शिकायत दिती गई। इस मौके पिंड पंचायत समेत पिंड दे कई पतवंत सज्जन थाने च औरत दे खिलाफ खड़े हो गए। इस दौरान पुलिस ने मामला सुलझाउण दी कोशिश कीती पर स्कूल अध्यापका कानूनी कारवाई उत्ते अड़े रहे। महिला दे खिलाफ टीचर ने उस नाल बदसलूकी करन दे इल्जाम लगाए ने। उत्थे ही ड्यूटी च विघन पाउण दे वी इल्जाम लगे ने। महिला अध्यापक ने कहा है कि महिला ने उस नाल बदसलूकी कीती है। घटना संबंधी पीड़ित अध्यापक कुलविंदर कौर ने दस्या है कि पांचवी जमात का बोर्ड का पेपर चल रहा सी तां उक्त औरत आई अते स्कूल दे विच हंगामा करना शुरू कर दिता। पंजवीं का पेपर चल रहा सीगा, तलवाड़ी तो सर आए थे पेपर लैन वास्ते। उन्होंने कमरे च सीधी चली गई है ना। पहला मैं देखिया नोटिस किया कि लेडी उधर चली गई है। मैं चलो कोई गल करनी होनी है ना। 15 मिनट मैं वेट कर दी रही। इहदी लेडी की आवाज़ जिहड़ी है ना बड़ी अग्रैसिव जी होने लग गई। उच्ची उच्ची सर नाल गल कर रहे थे। जो मैं गई मैं हाँ जी दसो भी की गल है, तो सर कहिंदे भी इन्होंने बच्चों की एडमिशन के रिगार्डिंग गल करनी है ना। मैं हाँ जी दसो, ठीक है। तो कहती मैं तेरे नाल तो गल नहीं करनी, तू तो सिरे की बदतमीज है, तेनों गल करन दी अकल नहीं है। मैं क्या भी तुसी इदा मेरे ना क्यों गल कर रहे हो, भी मैं तुसी मेरे ना गल करो भी किस मुद्दे ते गल करनी है, ठीक है। या तुसी पंजवीं दे कमरे चो बाहर आ जाओ, आप इधर बैठ के गल करते हैं। जो इस वाले कमरे च आए, ये लेडी ने मेरे ना तू तड़क इन्नी बदतमीजी ना गल करनी शुरू की। तू फोन यूज़ कर दी है, तू स्कूल 2 साल तो गंद पाया हुआ, बच्चों को पढ़ाती नहीं। जो पढ़ाने का टाइम आता जवाक कुटने शुरू कर देंगे हो, ठीक है। ये लेडी मेरे हाथी पै गई, ये बच्चे लेके चली सी, मैं बच्चों का बैग फड़न लगी। इन्हें पहला मैंने धक्का मारिया, टेबल पर सिटिया मैनू, उस तो बाद इन्हें मेरे थप्पड़ मारिया। जाके मैं अपनी चेयर पर बैठ गई, कहती मैं वीडियो बनानी हाँ। जो ये वीडियो बना रही थी मैं उन्होंने रोकण की कोशिश की, ना कि उसनू मारन की कोशिश की है। जिस चीज़ का मेरे तो एलीगेशन ला रही है कि मैडम ने मारिया। 16 साल की मेरी जॉब है, मेरी जॉब बिल्कुल क्लीयर है। मैं अज तक कदे भी किसी पेरेंट्स नाल भी मिसबिहेव नहीं किया, ना मैं कभी किसी उच्चा बोली हाँ, ठीक है। रिस्पैक्ट ना बोली दा, बच्चों नू तन दे ही ना पढ़ाई दा। उक्त मुख्य अध्यापक दविंदर सिंह ने दस्या है कि औरत वालों किया गया काम बर्दाश्त तो बाहर है। उक्त औरत भी बीते दिन मेनू चेतावनी भी दे के गई सी कि ओह महिला अध्यापक नू सबक सिखावेगी। जिहड़ी आ भी बहुत ही बदसलूकी की गई, तो उन्हां नाल जो है उन्हां नू धक्का मारिया, थप्पड़ भी मारिया गया, तो इस तरह की जिहड़ी आ बहुत ही घटिया हरकत की गई है। तो असी इस दी निखेधी करते हैं, तो प्रशासन तो मंग करते हैं भी वो बनती कार्रवाई, वो जो भी परचा दर्ज किया जाए। असी कल स्कूल दे विच एक छोटा जिहा बच्चों का जिहड़ा फंक्शन रखिया सी, तां ये जिहड़ी लेडी सी ये मैनू कल भी कह के गई सी भी सर भी आ जिहड़े थोड़े नाल दे मैडम ने, इन्हां नू मैं बंदा बनाउणा, इन्हां नू मैं नौकरी करनी सिखाउणी आ। तो इस तरह दीआं जिहड़ीआं धमकियां ने पहलां भी दिंदी रही आ। सो अज मेरी गैर हाजरी दे विच ते स्कूल दे विच जो ये अज घटना वापरी आ, ये बहुत मंदभागी आ। ते असी प्रशासन तो मंग करदे आ भी अध्यापकां दा जिहड़ा मान सम्मान आ उहनू बहाल किया जाए, रख्या जाए, ते इहदे ते इस तरह दीआं जिहड़ीआं औरतां ने इन्हां नू रोक। दूजे पासे उक्त महिला गगनदीप कौर ने सारे दोषां नू नकारदे होए महिला अध्यापक ते इल्जाम लगाए ने कि उसने मेरे थप्पड़ मारिया, जिस तो बाद ए हंगामा होया। मैं दूसरे सारे को गई, मैं क्या मैं सर नू मिलना, मैं अपने बच्चों की एडमिशन करवानी आ। ते दूसरे कमरे च उठ के कहंदी हाँ दस की है। मैं क्या मैडम मेरी तुहाडे नाल कोई गल नहीं हैगी, मैं सिर्फ सर नू मिलना, अपने बच्चों का एडमिशन करवानी है, दाखला करवाना। मैनू चुटकी मार के कहंदी इत्थे बैग चक अपने बच्चों का, गंद लै जा अपना इत्थों। मेरे बच्चों नू जी उन्हें गंद कहा, देखो एक टीचर सरकारी मुलाजम जो बच्चों नू ये गंद कह रहे हैं, बच्चे किहदे ने जी? ये टीचर के बच्चे होंगे ने, जो आप स्कूल भेजने वो बच्चों ये गंद कह रहे हैं, फिर वो टीचर शिक्षा क्या जी देंगे होने बच्चों जी? मेरे बच्चों उन्हें कहा कहती अपना गंद लै जा इतों चक के। जो मैं उन्होंने मूहरे तो कहा भी तू हूँ कौन है इन्नी गल कह, उन्हें पैंती पड़क जी मेरे थप्पड़ मारिया मूँह से।
नहीं जी उन्हें थप्पड़ मारिया मेरे, मैं उसकी वीडियो बनाई, उन्हें मेरा फोन फट के घेरता सारे बच्चों होंगे, तो मेरे थप्पड़ मारिया हथों पाई कर लग गई, फिर सारा स्टाफ बुला लिया जी, तो मैं उस टाइम फिर अपना आ गई, मैं SDO साहब न अपनी एप्लीकेशन दिती है जी, मैं उम्मीद है भी पूरी कार्रवाई होएगी, मेरी दरखास्त जो मैं दिती है उसके कार्रवाई की जाए। दूजे पास पुलिस वालों मामला दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। लालपुर स्कूल के बच्चों अच्छे सवेरे टोल फ्री नंबर से शिकायत आई सी भी किसी टीचर के किसी स्टूडेंट की माता वालों को थप्पड़ मारा गया, जिस करके मौके से अभी पड़ताली अफसर भेजे, पड़ताल की गई, उस तो बाद स्कूल के बाकी मास्टर विशाल पड़ताल करके डूंघाई पड़ताल करके हम कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जिसने थप्पड़ मारे कले सी कि इन्होंने तो स्कूल एडमिशन का चक्कर सगा, अपने बच्चों का कल रिजल्ट आया सगा, तो उन्होंने दसिया भी एडमिशन का सगा, जो काम ली आई थी लेडीज तो वो अगर गल पै गई तो मारे लगातार ही स्कूलां दे विच मार कुटाई दे ए मामले वध रहे ने। नवीं सरकार नूं ठोस कदम चुकण दी जरूरत है। फतिहगढ़ साहिब तो पत्रकार बहादुर टिवाना दी रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।